एवरीवन, आज हम लोग नए टॉपिक के स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्लियर है? इसमें बेसिक चीज फॉर्मूला आप याद रखिए क्या। पहला फॉर्मूला जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा क्या होते हैं? कोस थीटा होते हैं, याद रखिएगा। बेसिक चीज ये फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होते हैं? कोस थीटा होते हैं। दूसरा आप याद रखिएगा कि कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितने हो जाएंगे? साइन थीटा हो जाएंगे। इसका ऑपोजिट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे? साइन थीटा हो जाएंगे, क्लियर है? इसी तरह हम लोग चलेंगे टेन थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा, क्लियर है? अब नेक्स्ट इसी तरह हम लोग समझेंगे कोट थीटा क्या होते हैं। 90 माइनस थीटा मतलब कि कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाते हैं? टेन थीटा हो जाते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाते हैं? कोस थीटा। और फिर कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाते हैं? साइन थीटा हो जाते हैं। इसी तरह जैसे टेन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये चीज बेसिक चीज है। फाइव आप याद रखिए क्या कि कोसिक 90 माइनस थीटा क्या हो जाते हैं? सेक थीटा हो जाते हैं। इसी तरह हम लोग सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे? आपको कोसिक थीटा बन जाएंगे। तो ये बेसिक छह चीज फॉर्मूला, बस आपको ये याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होते हैं। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। मतलब साइन का क्या होता है? कोस। इसी तरह कोस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा। और कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरह आप याद रखिएगा कोसिक 90 माइनस सेक थीटा, और सेक क्या होता है? 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसिक थीटा हो जाते हैं। तो बस ये बेसिक सी फॉर्मूला है, इसी पर एक दो क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं जो कि 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साइन 18 डिग्री यहाँ पर लिख दीजिए, जस्ट जस्ट इसी तरह। अब ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था क्या कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। कोस 90 माइनस क्या? 18 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर आप कोस 90 में से जब माइनस कीजिए क्या 18 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा? कोस 72 डिग्री आ जाएंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? चलिए देख लीजिए, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। लेकिन थीटा की जगह यहाँ पर क्या है? 18 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 18 डिग्री लिखेंगे। अब जस्ट इसी के सामने आप देख देंगे साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ पर 18 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन 18 डिग्री लिखेंगे। क्लियर है? ये आंसर वन आ जाएगा। बेसिक चीज आपको याद रखना है कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। हम थीटा की जगह क्या पुट किए हैं? 18 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 माइनस 18 करने पर क्या आता है? 72 डिग्री आते हैं। जस्ट इसी टाइप आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू नो कोस, पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या कि कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। अब ध्यान दीजिए, तो कोस 90 माइनस क्या करेंगे? ये देखिए, ये जो साइन का जो वैल्यू है ना 42 डिग्री, इसके जगह पर हम इसको लिख देंगे। क्यों? कि जब साइन मतलब 90 माइनस 42 डिग्री करने पर क्या आ जाएगा? कोस 48 डिग्री आ जाएगा। अब इसको जगह पर हम साइन थीटा, थीटा जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 42 डिग्री दिया, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 42 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, तो कोस इसके जगह पर लिख सकते हैं क्या? साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चलिए, तो कोस 90 माइनस थीटा बताया था कि अभी क्या होता है? साइन थीटा आता है। मतलब यहाँ 42 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर? साइन 42 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन
42 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री हो जाएंगे, इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्योंकि ट्यूशन लिखने में समय लग रहा है इसलिए वीडियो जो है ना पॉज हो रहा है, मतलब कि रोक दिया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि ए का वैल्यू निकालिए। ए का वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिया, साइन 3 ए दिया हुआ, यहाँ पर कोस ए माइनस 26 डिग्री दिया हुआ है। तो हम इसके जगह पर क्या लिखते हैं, जस्ट क्वेश्चन दिया इसको पहले लिख लीजिए आप। तो साइन 3 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस क्या हो जाएगा, 26 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि साइन 3 ए इक्वल टू क्या है, कोस ए माइनस 26 डिग्री दिया हुआ। हम इसके जो मालूम है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हो जाता है। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि कोस 90 माइनस क्या हो जाता है, थीटा, क्योंकि यहाँ पर कोस है तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, कोस चाहिए। तो आप कोस यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 3 लिख सकते हैं। ये क्लियर है, अब ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं क्या इसके जगह पर कि कोस 90 माइनस 3 लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस 26 डिग्री। क्लियर है, क्यों कि कोस 90 माइनस 3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। अब देखिए थीटा के जगह पर हम क्या लिए हैं, पर 3 ए लिए हैं, तो हम साइन की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन 3 हो जाएगा, मतलब कि वही चीज आ गया जो साइन 3 है, तो वही चीज आ गया। अब इसके जगह पर लिख सकते हैं क्योंकि कोस और कोस इक्वल में तो कट जाएंगे, अब इसको लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 3 ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस 26 डिग्री। क्लियर है, आइए 26 डिग्री जो माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 26 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री और प्लस 26 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिए माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 9 इनटू कितना हो जाएगा, 11। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए 3 है और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 1 को आप बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 116 बाय क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने बार में, 29 बार में। तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 29। क्लियर है, इस तरह के आपके सॉल्व करने आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से वीडियो, इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए। थैंक यू।